सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति विभागीय लापरवाही या कोई मजाक? कहीं 24 छात्रों को पढ़ा रहे हैं दो शिक्षक, तो कहीं 45 बच्चों को पढ़ाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है मात्र एक शिक्षक को। सदर प्रखंड के खावा में संचालित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पहरियाडी में अध्ययनरत हैं कुल 24 बच्चे, जिन्हें पढ़ाने के लिए प्रतिनियुक्त किए गए हैं दो शिक्षक। स्थानीय ग्रामीणों से मिली शिकायत के अनुसार विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक प्रायः रहते हैं विद्यालय में अनुपस्थित। वहीं जीतपुर पंचायत की एक शिक्षकीय उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पूर्णी जीतपुर में अध्ययनरत हैं कुल 45 छात्र छात्राएं। मर्ज्ड एक कक्ष में जब पढ़ाते हैं शिक्षक, तो दूसरे कक्षा कक्ष में पढ़ने वाले बच्चों को करना पड़ता है शिक्षक के आने का घंटों इंतजार। प्रधानाध्यापक ने कहा, एकमात्र शिक्षक होने के कारण उत्पन्न होती है काफी समस्याएं। शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन का रवैया उक्त मामले में है पूरी तरह से उदासीन। देखें यह रिपोर्ट। ये एक शिक्षकीय विद्यालय है जिसके एक कक्षा में इस समय एक मात्र शिक्षक यहाँ के जो कार्यरत हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों की संख्या काफी अच्छी है, बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से अनुशासित वातावरण में यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। एक शिक्षक, एक मात्र शिक्षक बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक वर्ग है जो मस्ड है, कक्षा वर्ग प्रथम और द्वितीय, इसके अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ भी काफी संख्या में बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन ये सभी बच्चे यहाँ पर शिक्षक के मैं आपको बता रहा था कि बच्चे यहाँ पर काफी संख्या में बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये जो कक्षा है भरा हुआ है विद्यार्थियों से, लेकिन इस कक्षा में शिक्षक नहीं है, शिक्षक होगा भी नहीं, इन्हें प्रतीक्षा करना पड़ेगा। ये एक शिक्षकीय विद्यालय है और फिलहाल इस विद्यालय में दूसरा जो कक्षा है उसमें शिक्षक यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और फिर जब वहाँ पर पढ़ाई हो जाएगी तो शिक्षक इस कक्षा में आएंगे, और जब यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाना शुरू होगा तो फिर उस कक्षा में जो बच्चे हैं वो शिक्षक के की अनुपस्थिति में बैठेंगे। तो ये है समस्या, एक शिक्षक के विद्यालय, अधिक संख्या में बच्चे, काफी संख्या में कक्षा कक्ष, ये समस्या गिरिडीह जिले के लगभग सभी सरकारी विद्यालयों में पाई जा रहे हैं। उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पहरियाडी खावा गिरिडीह सदर के प्रांगण में पिछले दिनों मैं सदर प्रखंड के ही ग्राम पंचायत कोवाड़ के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोवाड़ में था, जहां पर एक विद्यालय का भ्रमण हुआ और उस विद्यालय की जो समस्याएं थी वहां पर उसको मैंने आप लोगों को दिखाया, प्रशासन के संज्ञान में दिया। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोवाड़ में इस समय 120 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए दो शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति है। वहां पर चार दीवारी का अभाव है मुख्य रूप से, और शिक्षकों की कमी है, जिसको लेकर वहां के प्राचार्य ने समस्याएं जो है उससे हम सभी को अवगत करवाया और कहा कि 120 बच्चों को पढ़ाने के लिए दो शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति समस्या खड़ी करती है। बताना चाहूंगा कि सरकार की जो कुव्यवस्था है, जिस तरह से सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों को नियुक्त किया गया, उसकी एक पोल मैं यहां पर खोलना चाहूंगा। फिलहाल उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पहरियाडीह के प्रभारी प्रधानाध्यापक मेरे साथ हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? श्यामलाल रजक। श्यामलाल जी, आप इस विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं? हाँ, सहायक प्रधानाध्यापक है। कुल कितने बच्चे हैं यहाँ पर? कुल 24 बच्चे। 24 बच्चे, और शिक्षक कितने? शिक्षक दो हैं। तो प्रिंसिपल साहब को आपने सुना, यहाँ पर कुल 24 बच्चे हैं। जी हाँ, मात्र 24 बच्चे, और इन 24 बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर दो शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। और कुवाड़ के जिस विद्यालय के बारे में मैं बात कर रहा था, उस विद्यालय में 120 बच्चे हैं और वहां पर भी दो शिक्षकों को ही नियुक्त किया गया है। आप एक शिक्षक हैं यहाँ के, दूसरा जो शिक्षक है उनका नाम क्या है?
दूसरा सहायक अध्यापक का नाम है उत्तम कुमार अजर। उत्तम जी आज विद्यालय में उपस्थित हैं? हाँ उपस्थित तो है सर, लेकिन अभी जो उसकी सास की तबीयत खराब हो गई है, पैर उसका पूरा मतलब जो है डैमेज पूरा हो गई, जो डॉक्टर के पास अभी तुरंत देख ले। तो एक सहायक शिक्षक जो कि इस विद्यालय में कार्यरत है इनके साथ, वो आज यहाँ पर आए, उन्होंने अपना यहाँ पर उपस्थिति जो है वो दैनिक पंजी में दर्ज भी किया और इनके अनुसार उनके साथ जो है उनकी तबीयत खराब हुई और शिक्षक जो है उन्हें लेकर अस्पताल गए हैं और फिलहाल इस विद्यालय में एक शिक्षक ये हैं और यही जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 24 बच्चे, दो शिक्षक, पठन पाठन में कोई समस्या? पठन पाठन में समस्या नहीं होती है, कोई समस्या नहीं। आप लोग रोज समय पर आते हैं? हाँ सर रोज समय पर आते हैं, हम लोग इंडिया वाली हाजिरी बनाते हैं, बच्चों की हाजिरी बनाते हैं, 9 बजे आते हैं, 3 बजे हम लोग स्कूल बंद करते हैं। आप लोगों की उपस्थिति जो प्रतिदिन का है वो रजिस्टर में दर्ज होता है ना? हाँ सर डेली होता है सर। विद्यालय में बाउंड्री वॉल तो नहीं है क्या, इससे कोई समस्या? हाँ सर बाउंड्री वॉल नहीं तो समस्या है सर। पेयजल की सुविधा बच्चों को मिल रही है? हाँ सर मिल रही है। चप्पल खराब है लेकिन जो पेयजल विभाग से जो है उसे हम लोग पानी पी रहे हैं। शौचालय कैसा है? शौचालय है सर सब है। तो जो सरकारी तंत्र है और जो व्यवस्था है उससे आप सुने समझे और विचार करें, फिर प्रश्न होगा प्रशासन से, प्रश्न होगा सरकार से, प्रश्न होगा शिक्षा विभाग से भी, कि जिस तरह से प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए वो शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति विद्यालय में शिक्षकों के की जो संख्या है वो बच्चों की संख्या के अनुसार होनी चाहिए। जहाँ पर जितने बच्चे हैं उसी हिसाब से उसी अनुसार जो है शिक्षकों को भी नियुक्त किया जाना चाहिए, लेकिन विभिन्न विद्यालयों के भ्रमण में स्थितियां जो है वो प्रतिकूल नजर आती है, विपरीत नजर आती है। शिक्षक की नियुक्ति कम है और बच्चे 300, 400 से 500 के आसपास भी हैं और कहीं कहीं एक शिक्षकीय विद्यालय है जहां पर 60 से 100 के बीच बच्चे हैं और यहां की स्थिति अगर आप देखें तो यहां पर 24 बच्चे हैं और इन्हें पढ़ाने के लिए दो शिक्षकों की नियुक्ति है। जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और जिले के जो शिक्षा के वरीय पदाधिकारी हैं उन सभी को ऐसे मामलों पर संज्ञान लेना चाहिए और जहां जितने शिक्षकों की आवश्यकता है वहां पर उतने ही संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। धन्यवाद। उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पूर्णी जीतपुर, प्रखंड गिरिडीह, जिला गिरिडीह, अंचल गिरिडीह 2 की तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। ये एक शिक्षकीय विद्यालय है जिसमें 45 बच्चे पढ़ते हैं। विद्यालय के भवन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 भवन फिलहाल है जिसमें काफ़ी संख्या में यहाँ पर कक्षा कक्ष है। सामने प्राचार्य या प्रधान अध्यापक का एक कार्यालय है और ये सामने जो वर्ग हैं उस पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े 2 कमरे हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे मात्र 45 और उन्हें पढ़ाने के लिए केवल एक शिक्षक की यहाँ पर प्रतिनियुक्ति है। बार बार विद्यालयों से एक समस्या आ रही है कि शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति जो है वो विद्यालय में बच्चों की जो संख्या है उसके अनुसार नहीं हो पा रहा है। आवश्यकता के अनुसार यदि विद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाए तो इससे पठन पाठन का जो स्तर है वो बढ़ेगा और साथ ही साथ विद्यालय में कार्यरत जो शिक्षक हैं उन्हें जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती है उन समस्याओं से उन्हें निजात मिलेगा और पठन पाठन का जो स्तर है वो बढ़ेगा। जिला प्रशासन, जिले के शिक्षा विभाग से संबंधित वरीय पदाधिकारी और राज्य सरकार और शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार को इन मामलों पर गंभीरता के साथ विचार करते हुए यथाशीघ्र विद्यालयों में शिक्षकों की जो नियुक्ति है प्रतिनियुक्ति है उसको सही ढंग से किया जाना चाहिए। जहां जितने शिक्षकों की आवश्यकता है वहां उतने शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनेश्वर प्रसाद वर्मा। आप पारा शिक्षक हैं? जी सर। और विद्यालय का नाम क्या है? यूपीएस पूर्णी जीतपुर। यूपीएस पूर्णी जीतपुर जी।
और इस विद्यालय में शिक्षक कितने हैं? शिक्षक अकेले हैं, सिंगल। आप एक हैं? जी। एक शिक्षक के विद्यालय? जी सर। बच्चे कितने हैं? बच्चे नामांकन हमारा 43 है। 43? 43 जी। 43 जी। प्रतिदिन एक औसत बच्चों की उपस्थिति कितनी? 100% 100% लगभग 100% पर डे। प्रतिदिन? प्रतिदिन। एक शिक्षक? जी सर। 45 बच्चे? जी। क्या नाम है बेटा? सोना। किस क्लास में पढ़ती हो? दूसरा। दूसरा। स्कूल रोज आती हो पढ़ने? यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर पढ़ाते हैं? यस सर। तो अभी तो यहाँ सर नहीं है? यस। उधर पढ़ा लेंगे तब इधर आएंगे? यस सर। अच्छा अच्छा, उधर पढ़ा लेंगे तब इधर आएंगे। तुम्हारा क्या नाम है गुड़िया? क्या नाम है बेटा? अच्छा अच्छा अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हो? पहला। रोज स्कूल आते हो पढ़ने? बहुत अच्छा। कॉपी किताब लेके आए हो? बहुत अच्छा, वेरी गुड। रोज स्कूल पढ़ने आते हो ना? ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? अच्छा शिफत। तुम पढ़ने रोज आते हो ना? तुम्हारा क्या नाम है बेटा? मुजाहिद। अच्छा, वेरी गुड। और कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। बेटा क्या नाम है? माही। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? बेटा तुम्हारा बाल बिखरा हुआ है, बाल झाड़ के क्यों नहीं आई? कंघी क्यों नहीं लगाई? बाल बिल्कुल बिखरा हुआ है, हा? कल से स्कूल जब आओगे तो बढ़िया से बाल संवार कराना, ठीक है बेटा? ओके, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा? सुहाना बानो। सुहाना, किस क्लास में पढ़ती हो? पांचवा क्लास में। पांचवा में। स्कूल रोज पढ़ने आते हो ना? यस सर। अच्छा, स्कूल में कुल कितने टीचर हैं? एक ही। एक टीचर है। और क्या नाम है उनका? सर का नाम क्या है? धनेश्वर वर्मा। धनेश्वर वर्मा। सर रोज स्कूल आते हैं? यस सर। बढ़िया से पढ़ाते हैं आप लोगों को? यस सर। चलिए ठीक है। बेटा आप खड़ा हो जाओ। किस क्लास में पढ़ते हो आप? तीसरा। तीसरा। स्कूल रोज आते हो पढ़ने के लिए? यस सर। सर पढ़ाते हैं ठीक से? यस। अच्छा, सबसे बढ़िया कौन सा विषय लगता है पढ़ने में? सबसे बढ़िया कौन सा विषय लगता है? हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, कौन सा विषय? हिंदी। चलिए बहुत अच्छा। हिंदी में कोई कविता याद है बेटा? सुनाइए। याद नहीं है? सुमन एक उपवन के एक हमारी धरती सबकी, जिस मिट्टी जन्मे हम मिले ही एक धूप हमें, सिंचे हुए हैं जल से हम पले हुए हैं, झुलझुल कर पलों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। बहुत ही अच्छा कविता इन्होंने सुनाया है, आप सभी बच्चे इनके लिए ताली बजाइए। आपने अच्छा कविता सुनाया है और आपके साथी जो यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोगों ने आपके लिए ताली बजाया है, तो आप सभी को धन्यवाद कहिए। धन्यवाद। की नाम हो तो? यमुना खातून। की कर रहे हैं यहाँ पर? रसोईया बनाइए। रसोईया। और खाना बना रहे हैं तो यहाँ पर ने? कितना बच्चा पढ़े है? 50-60 गो बेसी है। 50 बच्चा है। तो खाना बचपन के ठीक से बनवे है? साफ सुथरा? साफ सुथरा। आज की बना आपके लिए? अंडा बनता। अंडा। हाँ। और दाल भात है? अंडा। दाल भात अंडा। हाँ। तो बच्चों के जो खाना बनावे हैं तो साफ सफाई के बढ़िया से इंतजाम रहे हैं? हाँ, एकदम साफ सुथरा, एकदम साफ सुथरा बने हैं। हाँ। ये ड्रेसवा जो तुम्हें पहनने हैं प्रधानमंत्री पोषण योजना वाला, ये ड्रेसवा रोज पहने हैं कि अभी हमारा देख के पहन ली? रोज रोज पहनने। बहुत अच्छा। अच्छा, ड्रेसवा तो पहनने से ठीक है करे हैं, लेकिन खाना पीना जो बचपन के बनवे हैं वो बहुत साफ सुथरा बनाई है? हाँ, साफ सुथरा। मन छोटा छोटा बच्चा पढ़े ना, अपने जबर जबर के हमने साफ सुथरा करके है ना? हाँ, देखे गंदगी इन्हें रोज साफ हमने पोछा अच्छे करोगे देखे आग लगा के जाओ ये पढ़ा पाता बचपन के बढ़िया ध्यान रखा है? पूरा ध्यान रखो ये। हाँ ठीक है, बचपन के बढ़िया ध्यान रखियो और बढ़िया से बचपन हमने पढ़ता तो है दादी, ये चीजा दे, ये चीजा दे बचपन। अच्छा, बढ़िया से देखभाल करें। हाँ, इसीलिए बचपन ऐसा कहे हो? पूरा स्कूल रोज आवे ही नहीं? हाँ, रोज डेली। अब मास्टर साहब क्या पढ़े बचपन के? ठीक ठीक पढ़ गए। हाँ, खाना पीना सब ठीक देते। बचपन के साथ कोई मारपीट? ना, मारपीट ना करता है।